सहारनपुर से अगले कॉलर हैं मोहम्मद यासीर, स्वागत है आपका साहब जी। वाले सलाम जी, मैं सहारनपुर से राशिद बोल रहा हूँ। बताइए। तो मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था कि मेरा बेटा जो है 10 साल का है, वो जो है मतलब कि पढ़ाई में बहुत वीक है, जो कुछ भी पढ़ता है वो भूल जाता है। ठीक। अपने बेटे को रोज़ाना अखरोट ला के रख दीजिए घर में, और अखरोट दो रोज़ाना तोड़ा करें, छिले छिलाए मत लाना, और दो अखरोट और 10 किशमिश रोज़ाना रात के समय खाने को दीजिए। इससे मेमोरी भी बढ़ती है और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और माजून अखरोट प्राश भी आप ले सकते हैं, इससे भी उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर आजमगढ़ से हैं, निर्मला देवी जी, स्वागत है आपका, हेलो बताइए, हेलो बोलिए। सर, मेरे मम्मी का 40 मर गया, 40 वर्ष है मम्मी मेरी। उनका दांतों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, खाना नहीं खा पाती हैं। जी दांत हिलते हैं क्या बच्चे उनके? हाँ, बस उनकी बाल झड़ता है, मम्मी का बाल झड़ता है। बाल झड़ता है, दांत हिलते हैं और हाँ, दांत से हिलते नहीं है, दर्द होता है दांतों दर्द होता है। ठीक है में। ठीक है ठीक है। दांतों के लिए देखिए एक अच्छा सा नुस्खा है, लेकिन आपको अजीब सा लगेगा। मेरा तजर्बे से गुजरा हुआ है, मेरा अनुभव है। ये जो पेट्रोल गाड़ी में डलता है ना, ये ज़रा सा निकाल लें एक छोटी सी शीशी में, और एक कॉटन में लगा के पेट्रोल उनके दांतों पर लगाएं, जहाँ जहाँ दुखता है, और जहाँ नहीं दुखता वहाँ भी लगा लें, और मुंह लटका लें। ये पेट्रोल अंदर नहीं जाना चाहिए। ऐसा रोज़ाना एक दो बार कर सकते हैं, एक हफ्ता करेंगे तो दांतों की परेशानी ठीक होना मुमकिन है। बालों के लिए गौन मोरिंगा सफ़ेद आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिला के इन्हें पिला दिया करें, तो बाल भी खूब अच्छे होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है महेंद्र कुमार जी, करनाल से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार, जी अकीम जी से बात कर रहा हूँ। जी जी आदाब साहब, बताइए क्या सवाल है? नमस्ते अकीम जी, आदाब आदाब। एक तो दमा है जी मेरे को, दमा, एक तो दमा है, अच्छा दूसरा? और एक मुंडे में दर्द है जी 2-3 महीने से। ठीक है। अच्छा देखिए, दमा के लिए आप लिख लीजिए एक नुस्खा, और मोंडे के दर्द का भी लिख लीजिए, लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मोंडे के दर्द के लिए रोज़ाना गोंद स्या आता है, काला गोंद, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, पानी के साथ, बगैर चर्बी के दूध के साथ, या जूस के साथ भी ले सकते हैं, जैसे आपके हालात हैं। ये गोंद कड़वा बहुत होता है, रॉ मटेरियल लें, नकली बहुत मिलता है, असली लें। आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, समझ लीजिए कितना होता है आधा ग्राम, इससे कम लें ज़्यादा नहीं लें, और ये मोंढे का दर्द ठीक होना मुमकिन है। कहीं का भी दर्द हो, चाहे घुटने का हो, कमर का हो, और क्या थी तकलीफ इनको? मोंडे में दर्द था और इन्हें दमा था दमा, जी। दमे का 5-6 महीने इलाज कर सकते हैं, बाकायदा दवा भी ले सकते हैं। और घरेलू नुस्खा ये है कि लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें, और 30 ग्राम पीपलें, जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं पीपलें, इसमें 30 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं, और एक एक चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से दें, और रात को भी गर्म पानी से लें, और गर्म पानी खूब पिया करें कम से कम 5 बार, तो इसका भी इलाज मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं ओम प्रकाश जी, गागरू से हमारे साथ, स्वागत है आपका, हाँ जी बोलिए। इसकी गोलियां किस तरह बनाएंगी? कड़वा बहुत है जी, कड़वा है, गोलियां किस तरह बनाएंगे जी, इसका तरीका बता दो अच्छा। जी। हाँ देखिए, मैं बताता हूँ कि कड़वा बहुत है,
लेकिन फ़ायदे के लिए, फ़ायदे में बड़ा मीठा है ये अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपका जोड़ जोड़ और नस नस बहुत बेहतर और एक तरह से ऐसा हो जाता है आदमी जैसे पहले था। तो इसको पहले तो कूटें हल्का हल्का इमाम दस्ते में, फिर ग्राइंडर में, जब छोटा छोटा हो जाए तो ग्राइंडर में इसको घुमा दें तो ये पाउडर हो जाएगा। अब चाहें तो ये दो चुटकी मुंह में रख के आप पानी पी लें, चिपकता है ये बहुत, या एक चम्मच शहद में मिला के दो चुटकी, ये चुटकी है ना ऐसी दो चुटकी, तो वैसे ले सकते हैं दिन में दो बार, या बहुत हल्का सा पानी मिलाएंगे तो ये एक साथ जम जाएगा और फिर थोड़ी देर रुकें ये पानी को पी लेगा थोड़ा सा, फिर इसकी गोलियां आराम से आप बना के रख सकते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, आधा एक घंटे पानी मिला के, तो ये गाढ़ा हो जाएगा और फिर गोलियां बना सकते हैं चने के बराबर या उससे ज़रा सी बड़ी गोलियां बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हकीम साहब ये खा नहीं पा रहे हैं, ये कड़वा इतना ज़्यादा हो रहा है, तो जो खाली कैप्सूल आते हैं उसमें भी गोलियां हम डाल के फिर इसका सेवन कर सकते हैं? हाँ, गोलियां बना लें तो सेवन की परेशानी नहीं है, नहीं तो खाली कैप्सूल मिलते हैं आधा आधा ग्राम के, बीच वाले कैप्सूल, एक तो बड़े होते हैं एक छोटे बीच वाले होते हैं, तो वो एक भर के रोज़ाना खा लिया करें। अगर आप ले सकते हैं मेडिकल स्टोर पर मिलते हैं, पता नहीं जहाँ से आप हैं वहाँ पर मिलेंगे या नहीं, लेकिन वो अच्छा तरीका है कि कैप्सूल में भर के खा सकते हैं। चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर्स दिल्ली से हैं। दयावती जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब। आदाब, जय हिंद, बताइए क्या सवाल है जी। सर मैंने अपने मिस्टर के लिए ना ये शुगर की दवाई मंगाई थी और जैतून का सिरका, गोंधिया और ये लहसुन अदरक नींबू इनका भी वो बनाया है, तो ये सारी चीज आगे पीछे करके ले सकते हैं क्या, आप ये बता दो जी। ठीक है, शुगर की दवाई भी देते हैं जी ये कैप्सूल। हाँ वो लेने दीजिए उन्हें, शुगर की दवाई लेने दीजिए, उसे मत रोकिए, उसे मत रोकिए शुगर की दवा को। और ये आपने मंगा लिया जैतून का सिरका, लहसुन अदरक और नींबू का रस निकाल लिया, इन सबको मिक्स कर दीजिए फौरन, फिर ये ख़राब नहीं होता, मिक्स नहीं करेंगे तो शाम तक ख़राब हो जाएगा। ये सिरका इन तीनों चीज़ों को ख़राब नहीं होने देता और ज़िंदगी भर ख़राब नहीं होने देता, इसकी ये भी तासीर है। तो ये तीन तीन चम्मच सुबह शाम इन्हें दें, आप देखेंगे उनकी शुगर स्थिर रहेगी, लेकिन वो दवाएँ भी खाते रहें जो खाते हैं। गौंसिया का पाउडर बना लें और एक से दो चुटकी सुबह और शाम नाश्ते के बाद ले सकते हैं, और इनको वैसे तो साथ में भी ले सकते हैं लेकिन फासला कर लें तो बहुत अच्छा है, आधे घंटे के फर्क से इन्हें खा सकते हैं। तो बिल्कुल, देखिए दयावती जी, आप जैसे जैसे नुस्खों का सेवन करना शुरू करेंगी वैसे वैसे आपको भी फायदा होगा, आपके पति को भी फायदा होगा, और फिर आप फीडबैक कॉल हमें ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं जो लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, उपचार कर करके ट्रीटमेंट करा करा के कितना सारा धन वो खर्च कर चुके हैं, तो अब कुछ ही दिनों में आपको कितना रिलीफ मिलने वाला है। दर्शकों देखिए, कुछ ही महीनों का ये ट्रीटमेंट है, कुछ ही महीने आप लोगों को सेवन करना होता है, लेकिन कोई भी नुस्खा आपको एकदम नहीं छोड़ना है, कोई भी दवाई आप लोगों को एकदम नहीं छोड़नी है। तो जुड़िए दर्शकों हमारे साथ, आप लोग भी इसी प्रकार से रोग संबंधी कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं हकीम साहब, फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो जी, सुमन जी कहाँ से बात कर रही हैं? जी कोलकाता से। नमस्कार। ठीक है, आपका सवाल क्या है जी? हम गोंद मुरिंगा मंगाए हैं, वो खाना कैसे है? देखिए इसे तोड़ के पाउडर बना लें ग्राइंडर में, अभी तो पहले तोड़ना पड़ेगा इमाम दस्ते में, जो तोड़ने का होता है ना सब महिलाएं जानती हैं किचन में होता है, उसे तोड़ के छोटा छोटा करें, फिर ग्राइंडर में इसको घुमाएंगे तो ये पाउडर हो जाएगा। इसके दो चुटकी की बराबर यानी आधा ग्राम पानी में मिला के या नारियल पानी में मिला के, जैसे आपके हालात हैं, दिन में एक बार इस्तेमाल किया करें या दो बार भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, पहले एक बार इस्तेमाल करें उसी से फ़ायदा शुरू हो जाता है, और अगर आपको लगे कम फ़ायदा तो दो बार भी ले सकते हैं।
जी। अगले कॉलर हैं छत्तीसगढ़ से, गौरीलाल जी स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। नमस्कार। आदाब सर। प्रणाम जी। आदाब जय हिंद। बताइए सर, मेरा गले में गांठ हो गया है। क्या बताया डॉक्टर ने, क्या बताया आपको डॉक्टर ने? तो बताया नहीं, दिखवाया डॉक्टर को? नहीं दिखाया आपने? दिखाया था तो बोला था कि यहाँ नहीं हो पाएगा, आगे जाना पड़ेगा। हाँ देखिए, आप इसकी जांच तो ज़रूर करा लें, और मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, वो आप फौरन शुरू कर दें। आधा चम्मच मेथी गर्म पानी में डाल दें पाउडर बना के, और उसमें ये एक चुटकी में जितना खाने का सोडा है ये भी डाल दें, और इसे जैसे सुबह डालेंगे तो शाम को पीना है ये पानी, इसका ऐसे मिला के समझ लीजिए कि मेथी का पाउडर बनाना है, आधा चम्मच पानी में डालना है और एक चुटकी खाने वाला सोडा जो किचन में आपके इस्तेमाल होता है वो मिला के इसको सुबह को भिगो दें और शाम को इसे पीना है। ये आप फिर शाम को भिगोएं तो सुबह को पीना है, इतना फासला होना चाहिए। ये फौरन शुरू कर दें और जो भी जांच डॉक्टर कहते हैं वो करा लें तो बहुत अच्छा है। अगर तकलीफ है तो बहुत ज़रूरी है जांच कराना, तकलीफ नहीं है तो फिर इतनी फिक्र की बात नहीं है। जी। अगले कॉलर हैं हमारे साथ गुरदीप जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं? राजस्थान से। ठीक है, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर से पूछना चाहता था, मैसेज को दांसी बहुत आ रही है, एक साल हो गया, सूखी दांसी आ रही है। सूखी खांसी आपकी बेटी को? नहीं नहीं, मैसेज घरवाली को। घरवाली जी। एज क्या है उनकी? एक है 65 साल। अच्छा देखिए, सूखी खांसी का भी इलाज है और काफ़ी लंबा टाइम हो गया, इसके लिए आप बाकायदा दवा भी ले सकते हैं, 4-5 महीने लेनी पड़ेगी। और एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ, आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, अलसी आती है, अलसी 100 ग्राम लीजिए। उन्नाव आता है एक दवा, बेर टाइप का होते हैं, लाल लाल बिल्कुल, ईरानी बेर को उन्नाव कहते हैं। उन्नाव 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और लिसोड़ा 100 ग्राम। और आपके किचन में एक चीज़ होती है जिसको पीपलें कहते हैं, आपको नहीं मालूम तो घर में जो आपके किचन के ज़िम्मेदार हैं उनसे पूछना पीपलें क्या होती हैं। 1.5 इंच की लंबी लंबी बड़ी खूबसूरत सी गर्म मसालों में पाई जाती हैं, इसमें 30 ग्राम पीपलें मिलाकर पाउडर बनाएं, और ये पाउडर सुबह खाली पेट 1 चम्मच खिलाकर गर्म पानी पिलाएं रोज़ाना 1 बार या 2 बार, रात को भी सोते समय पिला सकते हैं, बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। जी। अगले कॉलर हैं सुलेखा जी, स्वागत है आपका। आ? जी सुलेखा जी, आवाज मिल पा रही है? हकीम साहब से बात नहीं होती क्या? क्यों नहीं होगी सुलेखा जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए क्या सेवा? मैंने दवा मंगाई वो एस्केयर। एस्केयर दवा मंगाई, ठीक है। तुमने वो जोड़ों का दर्द नसों में खींचा बोली थी तो वो दवा भेजी तुम लोगों ने, तो आपने शुरू की वो इस्तेमाल करने शुरू की? कल से की चालू करी तो भी वो खिंचाव चालू है। कल से चालू की है तो थोड़ा सबर करिए, 5 से 10 दिन मुझसे कुछ मत कहिए, ठीक है, और 5 दिन में या 10 दिन में फ़ायदा शुरू होगा। अगर इत्तेफाक से दर्द बढ़ जाए तो दर्द की दवा ले लेना, ये मर्ज की दवा है, 1 महीने में भी ठीक हो जाए अगर आप तो 3-4 महीने खाना, ताकि ये दोबारा आपका रोग वापस ना आ सके। तो बिल्कुल देखिए दर्शकों, जब आप लोग किसी भी यूनानी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं या फिर नुस्खे अपनाते हैं तो आप सभी से कहना चाहूंगी कि कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, 1-2 दिन में फायदा नहीं होता है, समझिए इस बात को।
थोड़ा तो इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा ना। आप इंतजार करेंगे तो फल किसे मिलेगा? आप ही लोगों को। तो इंतजार के साथ नुस्खे अपना लीजिए, इंतजार के साथ यूनानी मेडिसिन जो आप लोगों को बताई जा रही है उसका इस्तेमाल कीजिए, फिर कुछ ही महीनों में आप लोग सेहतमंद हो सकते हैं। आपका जो रोग इतने दिनों से आपको परेशान कर रहा था, दर्द की तकलीफ से आप लोग निकल नहीं पा रहे थे, सभी निवारण हो सकते हैं। बाकी दर्शकों आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हकीम साहब से बात कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे आप लोग जान सकते हैं।